में अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जिसको 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें यूक्रेन ने एक मोर्चे पर बाजी को पूरी तरह से पलट दिया। ये अपडेट आ रहा है, यूक्रेन ने 3 दिन के भीतर रूस के अंदर दूसरा पुल उड़ा दिया है। इससे कुर्स्क इलाके में रूस की सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कुर्स्क के सप्लाई लाइन के तौर पर 3 पुलों की अहम भूमिका है और इन 3 पुलों में से यूक्रेन की सेना ने 2 को उड़ा दिया है। 72 घंटे के भीतर दूसरा पुल यूक्रेन ने उड़ा डाला। तो अब यहां पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद रूस ने कुर्स्क इलाके में इमरजेंसी लागू कर दिया था। इसके बाद रूस ने बेलगोरोद में भी इमरजेंसी लागू कर दिया। यूक्रेन ने 16 अगस्त तक रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, यह खबर आ रही है। यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख से ज्यादा रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। 3 दिन के भीतर रूस की सप्लाई लाइन वाले 2 पुल उड़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से रूस में ये हमला हुआ है और वहां से यूक्रेन की सीमा की दूरी महज 15 किलोमीटर ही है। अंदाजा लगाइए कि 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यूक्रेन रूस के 35 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। पिछले 2 हफ्ते में वो रूस के 82 गांव छीन चुका है उससे। अब वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब कभी भी बहुत भयानक मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि रूस से इस पर जवाबी कार्रवाई एक्सपेक्टेड है। खबर यह है कि यूक्रेन के लगातार हमलों से तिलमिला है रूस अपने अपमान का बदला लेने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। रूस के शहरों पर हमले, रूस के शहरों पर कब्जा, रूस के पुलों पर टारगेट, रूस की सप्लाई चेन पर हमला, रूस को सीधी चुनौती। लेकिन अब यूक्रेन से भयानक बदले की बारी है। रूस में जो कुछ हो रहा है वो सचमुच चौंकाने वाला है। रूस के कुर्स्क में घुसकर यूक्रेन ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। खुद पुतिन और उनकी सेना हैरान है कि आखिर कैसे यूक्रेन की सेना ने ये सब कर दिया। रूस का आसमान इस वक्त यूक्रेन के बारूद से धुआं धुआं है। इससे पहले कि धुएं का ये गुबार बैठ पाता, यूक्रेन ने रूस के 2 महत्वपूर्ण पुलों को भी टारगेट पर ले लिया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस के इन पुलों को 2 सप्ताह से भी कम वक्त में टारगेट किया गया है। दावे के मुताबिक ये दोनों पुल कुर्स्क इलाके में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले के बाद रूसी सैनिकों के लिए आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया है। क्रेमलिन समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स ने कबूल किया कि ग्लुश्कोओ शहर के पास सेइम नदी पर बने पुल को नष्ट किया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि यूक्रेन के हमलों को रोकने वाले रूस के सुरक्षा बल की आपूर्ति ठप हो गई है। यही वजह है कि कुर्स्क इलाके में रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रूस की न्यूज वेबसाइट मैश ने भी यह दावा किया है कि यूक्रेन के हमलों में अब सिर्फ 1 ही पुल सुरक्षित बचा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा, यह अहम है कि हमारे साझेदार उन रुकावटों को दूर करें जो हमें इस युद्ध की मांग के अनुसार रूसी स्थिति को कमजोर करने से रोक रही है। यानी ज़ेलेंस्की सीधे सीधे सहयोगी देशों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि इस मिशन में यूक्रेन के सामने आने वाली हर बाधा को नष्ट किया जाए।
लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भले ही यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके के शहरों पर कब्जे का दावा किया है, लेकिन रूस की तिलमिलाहट यूक्रेन को तबाही के मुहाने पर ला सकती है, क्योंकि यूक्रेन के हमलों के बाद से रूस और उसके सहयोगी भी बुरी तरह बौखला उठे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर करीब एक तिहाई सैनिकों को तैनात करते हुए परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। बेल्टा स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के आदेश पर यूक्रेन सीमा पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। उन्होंने नाटो को भी सीधी धमकी देते हुए कहा, यूक्रेन कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है, अगर पश्चिमी गठबंधन ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सेना भेजी तो बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। अगर नाटो सेना को यूक्रेन भेजता है तो फिर इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस की प्रतिक्रिया तत्काल और भयानक होगी। नाटो देश इसे भी समझते हैं और हम भी इसे समझते हैं, इसलिए हमें बातचीत की मेज पर बैठने की जरूरत है। दरअसल यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस पर बड़ा हमला किया और रूस के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। दावे के मुताबिक यूक्रेन ने करीब 1150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैनिक रूस के अंदर 35 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं और अब यूक्रेन रूस के पुलों को टारगेट करके उसकी सप्लाई चेन को भी ठप कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन का यह आक्रामक रवैया उसके अपने नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पुतिन ना सिर्फ अपनी सेना के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, बल्कि रूस के सहयोगी भी यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जिस रूस ने यूक्रेन को नाको चने चबवा दिए, जिस पुतिन ने तमाम चुनौतियों के बावजूद अब तक जंग को जारी रखा हुआ है, उनसे चूक कहां हो गई? क्या युद्ध के बीच रूस ढीला पड़ गया, उसका अटेंशन कहीं डाइवर्ट हो गया, या यूक्रेन अब मजबूत हो गया है, उसे भी अब समझना आवश्यक है। कुर्स्क में यूक्रेन अगर कामयाब हुआ है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है उसकी रणनीति। कुर्स्क के अभियान को यूक्रेन ने आखिरी मौके पर गोपनीय रखा हुआ था, आखिरी मौके तक, यहां तक कि जो सैनिक रूस के कुर्स्क में हमला करने वाले थे उन्हें इस मामले से एक दिन पहले ही यह बताया गया कि यहां पर आपको अटैक करना है, और उन्हें करना क्या है और कहां जाकर हमला करना है। यूक्रेन को रूस के ढीलेपन का भी फायदा मिला। बताया जा रहा है कि कुर्स्क इलाके में रूस की ओर से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम फिलहाल नहीं थे, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का पूरा ध्यान पूर्वी यूक्रेन पर लगा हुआ था, जबकि यूक्रेन ने रूस के साथ खेल किया अपने उत्तर पूर्वी मोर्चे पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर घुसने की कोशिश की हो। इससे पहले भी युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिक ऐसी कोशिशों में कई मोर्चों पर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कहीं लैंडमाइंस का सामना करना पड़ा, तो कहीं रूस के सैनिकों पर बम वर्षा करके उन्हें खदेड़ डाला गया। लेकिन कुर्स्क के मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों को ना तो लैंडमाइन मिले और ना ही यहां उन पर ड्रोन से अटैक हुआ। कुछ बॉर्डर गार्ड के फोर्स थे जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने मारकर भगा दिया। मतलब रूस की लाइन ऑफ डिफेंस नाकाम हो गई। शुरुआत में रूस ने फाइटर विमानों का प्रयोग किया था ताकि वो कुर्स्क में घुस यूक्रेनी सैनिकों को भगा सके। हेलीकॉप्टर से भी उसने गोलियां बरसाई, लेकिन उसका एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया और दूसरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उसके सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया।